24 में। मैं आपके साथ नौशीन परवीन। पेश है आपके सामने अब तक के मुख्य समाचार। अखिल भारतीय बोक्सा जनजातीय विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष दर्शन लाल द्वारा लिखी गई पुस्तक बॉक्स जन जागृति का विमोचन, मुख्य अतिथि विधायक सहदेव सिंह कुंडी द्वारा ग्राम शीशम बाड़ा सिंघनी वाला इंटर कॉलेज में एक समारोह सम्मेलन किया गया। वहीं विधायक सहदेव सिंह कुंडीर ने कहा कि बावजूद दर्शन लाल जी से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जो इस उम्र में भी इतना कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, और हम सबको ऐसे महाअनुभवी व्यक्ति दर्शन लाल जी से सीख लेनी चाहिए। वहीं किताब के लेखक दर्शन लाल ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि अखिल भारतीय बॉक्स जनजातीय विकास समिति शीशमबाड़ा देहरादून द्वारा संचार एवं तकनीकी के इस युग में बॉक्स जनजागृति पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। ये पुस्तक समस्त जनमानस में परस्पर जनजागरण लाने में सहायक सिद्ध होगी। बोक्सा जनजाति के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दर्शन लाल जी ने एक बोक्सा जनजागृति पर एक पुस्तक लिखी है, आज उसका यहाँ पर विमोचन हुआ है। मैं इस कार्यक्रम में और जो अपना इंटर कॉलेज है बोक्सा जनजाति के, उसके दो कमरों की यहाँ पर नींव रखी गई, भूमि पूजन हुआ है, उस कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। और वास्तव में ये जो अपनी बोक्सा जनजाति है उसकी जनजागृति और उसका इतिहास, उसके लिए जो पुस्तक आदरणीय दर्शन लाल जी ने जो लिखी है, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि वास्तव में एक अच्छा काम आप हमेशा शिक्षा के लिए कर रहे हैं, बच्चों को जगाने का काम कर रहे हैं, समाज में अंधेरे से उजाले की ओर समाज को ले जाने के काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं आदरणीय दर्शन लाल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, इसी प्रकार आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे, ये शुभकामनाएं मैं उनको। और उन्होंने हमें ये शिक्षा दी कि किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, सच्चाई पे चलना और अच्छे काम करना। और चूंकि इस क्षेत्र में शिक्षा की बहुत आवश्यकता थी, यहाँ पाँचवीं तक के भी स्कूल बहुत कम थे, तो और मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो मैं ये बार बार ये सोचता रहा, जबकि मैं सर्विस भी करता था और मैं इस क्षेत्र का पूरा भ्रमण भी किया मैंने, तो मुझे शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ काम करने का मुझे एक वो हुआ कि मुझे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। सबसे पहले मैंने अपने यहाँ हाई स्कूल की, बोक्सा जनजाति हाई स्कूल की स्थापना की इस गांव में। इसके बाद क्योंकि दिमाग में ये आया कि भाई एक यहीं से हमारा विकास नहीं होता, हमें आगे और भी क्या नाम हो, तो मैंने आपके शेरपुर, बद्रीपुर, तिपरपुर और आदूवाला इन गांव में भी शिक्षा के उसके लिए मैंने स्कूल खुलवाए और मैंने राष्ट्रीय इंदिरा राष्ट्रीय विकास समिति के माध्यम से भी मैंने यहाँ स्कूल खुलवाया। और आज हमारे इन मेरी इस व्यवस्था में लगभग 3000 बच्चे बोक्सा जनजाति के तथा अन्य समाज के 3000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और 70 आदमी इसमें काम से जुड़े हुए हैं। ये मेरी बड़ी उपलब्धि है। और मैंने कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को जोड़ने का काम किया है और इसके साथ साथ मैंने यूपी को भी अपने साथ जोड़ा है, हिमाचल को भी अपने साथ जोड़ा मैंने, और मैंने अपने पूरे समाज को जहाँ जहाँ भी मतलब ये बोक्सा समाज है इसको जोड़ने का काम किया। तो आज अगर इस सम्मेलन में हर जगह का प्रतिनिधित्व हुआ है, तो मैं बड़ा अपने को आभारी मानता हूँ